इस मॉल का विजिट करें इंशाल्लाह। घर पे आ गए हैं, यहाँ से हम अपना अक्षर का जो है वो अकाउंट बनाएंगे। तो मैंगो का साइज चेक करें आप, ये भी यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स की चीज़ें मिल जाएंगी, तो मिल जाएंगी स्टारबक्स की हैं सारा इनका जुबना हलावा, और ये जो नाश्ता वगैरह करते हैं ये कुछ अचार हैं, ये बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे। वाओ, चीज़ के जो पैकेट्स हैं वो आ चुके हैं, ये देखें इस तरह से ये आपको शेडेड चीज़ जो है वो मिल जाएगी। हमारे पास जो है पिज्जे के डो बना रही है, थ्री किस्म के हमारे पास जो है कैप्सिकम हीट हो चुका है, इसके अंदर डालेंगे पिज्ज़ा अपना। लें जी, बहुत ही लजीज और मज़ेदार पिज्ज़ा तैयार है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम भी ठीक हैं। आज हम आए हैं यहाँ पे मदीना पाक में अलमनारा मॉल में, ये सो खुदरा जो यहाँ की सब्ज़ मंडी है उसके नज़दीक है। आप यहाँ पे आएँ तो किसी भी हरम से टैक्सी वाले से या ख़ुद अगर आपको लोकेशन लगा के अलमनारा मॉल की आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे ग्रॉसरी स्टोर्स भी हैं और डिफरेंट तरह के यहाँ पे आपको ब्रांड्स भी मिल जाएंगे। और यहाँ पे मुझे अपने भाई का जो वो अक्षर बनाने हैं वो यहाँ पे ज़रूरी होता है, फिंगरप्रिंट होते हैं यहाँ पे, तो मैं अपने भाई का जो है वो अक्षर बनाने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और साथ में अगर कुछ हुआ तो ग्रॉसरी वगैरह भी घर के लिए कर लेंगे। तो आप इस मॉल का विज़िट करें, इंशाल्लाह आपको बहुत सारी वैरायटी यहाँ से मिल जाएगी। तो चलते हैं अंदर और आपको इस मॉल का विज़िट करवाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या वैरायटी है। और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करें, वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करें और साथ में शेयर भी कर दिया करें। डोर है, दो नंबर गेट से हम लोग इंटर होंगे, तो चलते हैं अपने मॉल की तरफ और आपको दिखाते हैं। और अभी हम अक्षर पर आ गए हैं, यहाँ से हम अपना अक्षर का जो है वो अकाउंट बनाएँगे, तो देखते हैं कैसे बनता है। ये अक्सर इनके फिंगरप्रिंट ही नहीं चलते, अल्लाह करे ये बन जाए। भाई का अक्षर बन गया और ये बहुत खुश है कि मेरे अब जो बैंक अकाउंट भी बन जाएंगे और बाकी सब चीज़ें भी बन जाएंगी। जैसे बहुत पैसा है इसके पास, बड़े अकाउंट्स में चीज़ें आनी हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह भाई, मुबारक हो आपको, आपका अक्षर का अकाउंट जो है वो बन गया बहुत ईजी। रश यहाँ पर बिल्कुल नहीं था। और अब हम जा रहे हैं अपने ग्रोसरी स्टोर पर जो है जिसका नाम हैपर पांडा। यहाँ पे आपको घर की ग्रॉसरी की जो है वो काफ़ी चीज़ें, बल्कि आपके घर की इस्तेमाल की दुनिया की हर तरह की चीज़ें आपको यहाँ से मिल जाएंगी। तो आप हैपर पांडा का भी विज़िट कर सकते हैं। ये जो है यहाँ पे ये हेयर कलर्स हैं, इसके अलावा यहाँ पे आपको कॉस्मेटिक्स की चीज़ें मिल जाएंगी। तो शैम्पू देखते हैं यहाँ पर, ये है जी यहाँ पर। पहले इसका रेट जो था वो 30 रियाल था, अभी जस्ट ये मिल रहा है हमें सिर्फ 9 रियाल का। ये हमने दो शैम्पूज लिए हैं, आगे देखते हैं अब क्या लेते हैं। यहाँ से हम उठाते हैं एक शैम्पू, ये चीज़ चेक करें, जस्ट लाइक अ वाओ। ये देखें इतनी फ्रेश सब्ज़ी है यहाँ पे, इतने मज़े की सब्ज़ी है यहाँ पे। ये देखें, ये थोड़ी सी अजीब सी लग रही है। इस साइड पे आप देखें फ्रूट्स भी आपको मिल जाएंगे, इनके रेट्स भी आप देख सकते हैं। ये देखिए मिस्र के मैंगोज़ हैं और मैंगो का साइज़ चेक करें आप, ये देखिए ये आप मैंगोज़ का साइज़ चेक करें। ये बहुत कैमरा में इतना बड़ा नहीं आ रहा, लेकिन देखिए बहुत बिग साइज़ है यहाँ पे। इसके अलावा ये देखिए यहाँ पे सजी हुई चीज़ें भी हैं, ये देखें ये पैक हैं। इस टाइप की भी आपको काफ़ी वैरायटी यहाँ से मिल जाएगी। ये सारी जो आप चॉकलेट्स खाते हैं, फेमस चॉकलेट जितनी भी हैं, ये सब जो हैं ये उनकी चॉकलेट्स की जो है वो वाली है, आइसक्रीम बनी हुई है यहाँ पर। ये देखें जस्ट लाइक अ वाओ, ये बास्किन रॉबिन्स, इनकी आइसक्रीम बहुत अच्छी होती है। और ये देखें यहाँ पे, यहाँ से हम पिज़्ज़े के लिए कुछ चीज़ वगैरह लेते हैं। यहाँ पे देखते हैं इनमें किस चीज़ में ऑफ़र आपको मिल जाएगी। आप अगर यहाँ पे सऊदी अरब में रहते हैं तो ये देखिए पक की चीज़ जो है ना, ये मुझे इन सब चीज़ों से अच्छी लगती है। ये इसकी जो है ना क्वालिटी और टेस्ट जो है ना वो बहुत मज़े का है, तो मैंने ये ली। और ये चेडर चीज़ के स्लाइसेस लिए हैं बर्गर्स के लिए, कि यहाँ पे आपको ये काफ़ी जो है स्लाइसेस आपको मिल जाएंगे यहाँ पर, हर तरह के, हर तरह की चीज़ के स्लाइस आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा ये फ्रीज़र्स की चीज़ें हैं, ये देखें ये आपको कोल्ड कॉफ़ीज़ जो हैं हर टाइप की मिल जाएंगी, स्टारबक्स की हैं और इस तरह के हर ब्रांड जो आपको कॉफ़ी पसंद है वो आप यहाँ से भी ले सकते हैं। अब आप यहाँ से जो है वो खुली चीज़ अपनी पसंद की ले सकते हैं। ये देखें पूरे स्लाइसेस होते हैं,
तो ये आपको सस्ती पड़ जाती है कुछ। मैंने यहाँ से भी 1 kg जो है वो ली है, यहाँ से ये मैंने ये वाली ली है पिज़्ज़ा के लिए, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ होती है, आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं। ये देखिए इसके अलावा यहाँ पे सारा इनका जुबना हलावा और ये जो नाश्ता वगैरह करते हैं, ये कुछ अचार हैं इनके, ये इनके तो मुझे नाम भी नहीं पता यहाँ पे किस टाइप के हैं। और ये आगे सब हर तरह के जो हैं वो जैतून आ जाते हैं, ये बहुत अच्छी वैरायटी है यहाँ पे, वाओ। और ये देखें आप इस तरह से इसको श्रेड भी करवा सकते हैं, यहाँ पे मशीन्स लगी होती हैं, ये देखिए मशीन में डाल के ये डायरेक्ट जो है वो श्रेडेड हो जाएगी, ये देखिए श्रेड हो रही है, इस तरह से आपको श्रेडेड जो है वो मिल जाएगी आसानी से। यहाँ से चीज़ के जो पैकेट्स हैं वो आ चुके हैं, ये देखें इस तरह से ये आपको श्रेडेड चीज़ जो है वो मिल जाएगी। ये देखें ये सब जैम्स वगैरह की वैरायटी है यहाँ पे, ये सब वैरायटी है यहाँ पे, आप देख सकते हैं। देखें ये केचप्स की वैरायटी है कुछ। हमने यहाँ से जस्ट ये जो पिज़्ज़ा के जो स्टफ़ है वो ही लिया है, इसके अलावा कुछ नहीं लिया। ग्रॉसरी जो है वो हमारे घर की पहले ही हो चुकी थी, इस वजह से हमने ग्रॉसरी वगैरह तो कुछ नहीं की। यहाँ पे अब हम जो है बिलिंग के लिए आ गए हैं, हमने थोड़ा सा स्टफ़ लिया था पिज़्ज़ा बनाने के लिए, घर जाके हम बनाएंगे पिज़्ज़ा और आपको दिखाते हैं कि हमारा पिज़्ज़ा कैसा बनता है। पिज़्ज़े की डो यहाँ पे बन रही है, साहिबा जो पिज़्ज़े की डो बना रही है। ये है जी हमारी होममेड पिज़्ज़ा सॉस, अगर आपको इसकी रेसिपी भी चाहिए तो वो भी हम आपको बताएंगे सब। तो ये बहुत मज़े की बनती है, ये हम घर पे ही बनाते हैं, तो ये जो है सॉस इसको भर भर के ऐड करेंगे, ये बहुत मज़े की सॉस बनती है घर पे। तो ये सॉस लगाएंगे पहले नीचे इसके, इसमें थोड़ी सी केचप ऐड करेंगे नीचे डो पे, इसका भी अलग ही फ्लेवर आता है। और इसको थोड़ा सा क्रीमी टेक्सचर देने के लिए हम ये क्रीम सॉस लगाएंगे यहाँ पे, इससे बहुत ही क्रीमी और मज़े का टेक्सचर बनता है नीचे जो है ना, इसके फ्लेवर बहुत मज़े का आता है। इसमें अब हम नीचे जो है सारी चीज़ लगाएंगे, चिकन हम सबसे लास्ट पे डालते हैं, उससे ना अच्छा लगता है पिज़्ज़े की लुक अच्छी आती है। चीज़ वगैरह सब नीचे लगा दें सॉसेस वगैरह, तो उससे एक तो टेक्सचर बहुत इसका क्रीमी डो का बनता है, और दूसरा जो है चीज़ वगैरह भी नीचे लगाने से, ऊपर हम जस्ट स्प्रिंकल करेंगे चीज़ बाकी पूरी पिज़्ज़े के इसके अंदर लगाएंगे। इसके बाद हम अपना चिकन ऐड कर देंगे इसके अंदर सब, के बीच अब हम ये थ्री किस्म के हमारे पास जो हैं कैप्सिकम है 3 कलर्स की, वो थोड़ी थोड़ी करके ऐड कर देंगे। ये कैप्सिकम हमने इसमें ऐड कर दी है, ये बहुत कलरफुल लगती हैं कैप्सिकम इसके ऊपर, तो थोड़ा सा स्प्रिंकल करेंगे हम ओरिगानो। ओवन हमारा प्री हीट हो चुका है, हम इसके अंदर डालेंगे पिज्ज़ा अपना और इसको कर देंगे बंद। हमारा दूसरा पिज़्ज़ा के डो भी रेडी है, ये पिज़्ज़ा हमने ऊपर लगा दिया और इसको हम लगाएंगे नीचे वाली साइड पे, इसको कर देंगे बंद जब तक ये भी जो है वो पूरा हो जाएगा। ले जी बहुत ही लजीज और मज़ेदार पिज़्ज़ा तैयार है, इसको खाते हैं और खा के बताते हैं कि ये कैसा बना है। ये देखिए फुल लेडी बना है माशाल्लाह।